दोस्तों आज मैं एक और ऐसे एक्टर के बारे में बात करने वाली हूँ जो हैंडसम और टैलेंटेड होने के बावजूद भी फिल्म इंडस्ट्री में वो जगह नहीं बना पाए जिनके वो हकदार थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मज़हर खान की। सुभान अल्लाह। दोस्तों वैसे तो मज़हर खान ने कई फिल्मों में काम किया है लेकिन वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पाए, पर एक फिल्म थी जो उनके लिए बहुत ही कामयाब फिल्म साबित हुई। नाम अब्दुल है मेरा, क्या हाँ नाम अब्दुल है मेरा, सर किसी के सामने झुक जाए मेरा ये मुझे मंजूर नहीं। वो फिल्म में उनका रोल बहुत ही छोटा सा था लेकिन बहुत ही दमदार था। पड़े वक्त तो मोहताज सही पर मैं मजबूर नहीं। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, वो फिल्म थी शान। आपको पता हो तो उस दौर में अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे, फिर भी लोग अमिताभ बच्चन को नहीं बल्कि मज़हर खान मतलब अच्छा, अब्दुल को देखने जाते थे। अब्दुल को इतना हरकत समझता है क्या? अरे तुम्हारा भाई मरा ना, अपन को लगा कि अपना कोई सगे वाला मरा है, पॉकेट में रख ले, अपना अल्लाह देखता है बाप, ऐसा पैसा अपने पे हराम है। उस फिल्म में लोगों को अब्दुल का कैरेक्टर इतना पसंद आया कि जब उनकी एंट्री होती थी तब लोग सीटियां और तालियां बजाने लगते थे। इस फिल्म में उन्होंने भिखारी अपाहिज का कैरेक्टर बहुत ही अच्छी अदाकारी से निभाया है। और दोस्तों आपको इस फिल्म का मोहम्मद रफ़ी साहब का वो गाना तो ज़रूर याद होगा जो मज़हर खान पर फरमाया गया था। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। ये गाना और इस फिल्म में उनका किरदार आज भी हमें और लोगों को बहुत पसंद आता है। उनका ये अब्दुल का किरदार हम आज तक नहीं भूल पाए। और दोस्तों शान फिल्म में उन्होंने जो किरदार निभाया है कि जब कुछ गुंडे उनके पीछे उन्हें मारने के लिए आते हैं तब अब्दुल यानी मज़हर खान का किरदार अपाहिज का होता है और वो बचने के लिए इतना संघर्ष करते हैं और वो चल भी नहीं पा रहे होते। ये सीन इतना इमोशनल और इतना दर्दनाक दिखाया गया है। और दोस्तों सच में इस सीन में मज़हर खान ने अब्दुल के किरदार में ऐसी अदाकारी की है जिसे देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मज़हर खान ने अपनी आंखों में एक ऐसी लाचारी और करुणता दिखाई है जैसे लगता है कि वो सचमुच इस किरदार का हिस्सा है। आज भले ही मज़हर खान हमारे बीच मौजूद तो नहीं है और भले ही उन्हें दूसरी फिल्मों में कामयाबी नहीं मिली लेकिन जब भी हम शान फिल्म देखते होंगे तो उनका किरदार देखकर हमें मज़हर खान की ज़रूर याद दिलाएगा। वो मज़हर खान का दमदार किरदार, वो यादगार सीन के तौर पर हमें उनकी याद दिलाता रहेगा। मियां बीवी की तरह नोक झोंक तो हम दोनों में भी बहुत होती है। उन्होंने 1985 में जीनत अमान से शादी की, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। और उनके दो बेटे भी हुए, अजान खान और जहान खान। 1998 में उनकी डेथ से पहले वो अलग हो गए थे। पाशा, तुम्हारा भाई मरा ना, अपन को लगा कि अपना कोई सगे वाला मरा, क्या उन्होंने कहा कि वो नुस्खे वाली दवाओं से आदि हो गए थे और अनिच्छुक थे। मज़हर खान की मौत के बारे में बात करते हुए उनके परिवार ने उनके लिए कैसी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने मेज़बान से कहा, सीमी मैं उनके लिए मरने के लिए तैयार नहीं थी, मैंने उनके जीने के लिए बहुत संघर्ष किए हैं, मुझे वास्तव में विश्वास था कि उन्हें किडनी मिल जाएगी, मुझे विश्वास था कि वह जीवित रहेंगे लेकिन उनकी मौत हो गई, उन्होंने कहा। और सबसे बुरा झटका ये था कि उन्होंने मुझे अंतिम दर्शन करने की अनुमति नहीं दी। उनकी माँ और उनकी बहन वो मुझे उन्हें छोड़ने के लिए दंडित करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक खराब फैलनी फिल्म की तरह थी क्योंकि ये कोई था जिसे मैंने अपने जीवन के इतने साल दिए थे, वो मेरे बच्चों के पिता थे। और मैंने पूछा कि क्या मैं कर सकती हूँ, मुझसे कहा गया नहीं तुम नहीं आ सकती, आप अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं आ सकती। मतलब इतना गुस्सा और कड़वाहट और नफरत थी। मज़हर खान एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने शान जैसी फिल्मों में अभिनय किया
और बाद में हिट टीवी धारावाहिक बुनियाद में भी काम किया। मजहर खान ने अपने करियर की शुरुआत 1979 में आई फिल्म संपर्क से की थी। फिल्मों की वजह से वो कभी चर्चा में नहीं रहे, लेकिन जब उन्होंने मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान से शादी की तो उन्हें खूब लाइमलाइट मिली। जीनत अमान और मजहर खान की शादी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई थी, जिस वजह से दोनों को बहुत ही जल्द अलग होना पड़ा था। जीनत अमान अपनी शादी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। अपनी पर्सनल लाइफ में आई कई परेशानियों को देखते हुए जीनत अमान ने मजहर खान को तलाक देने का फैसला किया था, लेकिन जब तक ये तलाक हो पाता मजहर खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मजहर खान और जीनत अमान की शादी दोनों को प्यार होने के बाद हुई थी, लेकिन इस जोड़ी की शादी में काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट आ गई थी। बताया जाता है कि उस दौर में मजहर खान जीनत अमान के साथ खूब मारपीट किया करते थे। एशिया नेट न्यूज़ के अनुसार जीनत अमान ने कहा था कि वो माँ बनना चाहती थी, वो चाहती थी कि उनका भी एक परिवार हो। मजहर में वो क्वालिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाया क्योंकि मुझे उनमें अपने लिए सच्चा प्यार नज़र आ रहा था। इस शादी के लिए मुझे मेरी माँ ने भी मना किया था, लेकिन मैंने उनकी भी बात को नहीं माना। सिमी ग्रेवल के शो पर जीनत अमान ने बताया था कि मजहर चाहते थे वो घर पर ही रहें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। मजहर खान और जीनत अमान की शादी 12 साल लंबी चली थी, लेकिन जैसे ही इस जोड़ी ने तलाक लेने की सोची मजहर खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मजहर खान का निधन 16 सितंबर 1998 को किडनी खराब होने के कारण हो गया था। जीनत अमान उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस थी, जहां मजहर खान बॉलीवुड की फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करते थे। कहा जाता है कि मजहर खान चाहते थे कि जीनत अमान फिल्मों में काम करना छोड़ दे और घर पर रहकर बच्चों को देखे, लेकिन जीनत अमान को इंडस्ट्री में काम करना था